हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज हम बात करने वाले हैं क्वालिटी एश्योरेंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के बारे में। और ये काफ़ी मच अवेटेड वीडियो है और काफ़ी लोग इसका इंतजार कर रहे थे। कुछ लोगों का कल का एग्जाम है तो उनके लिए मैंने ये वीडियो तैयार की है। और इससे पहले का जो सब्जेक्ट है बायोटेक्नोलॉजी, तो उसका मैं बाद में कवर करूँगा, क्योंकि ज़्यादातर जो लोग हैं उनके एग्जाम्स जो हैं किसी के 14 से होने वाले हैं, किसी के जो है मई के लास्ट में होने वाले हैं, तो उन लोगों के लिए सफिशियंट टाइम है। तो बायोटेक्नोलॉजी के मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा 1 से 2 दिन में। लेकिन पहले ये जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के जो है कल एग्जाम है 10 मई को, तो उनके लिए मैंने ये वीडियो रेडी किया है। और जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं मैंने इसमें कवर कर दिए हैं। और ये जो सब्जेक्ट है थोड़ा लेंथी है और थियोरेटिकल सब्जेक्ट है। हर क्वेश्चन आपको दो दो तीन तीन पेज का मिलेगा और सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, तो काफ़ी कुछ है इसमें। और जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं प्रीवियस ईयर के मैंने एनालिसिस कर लिए हैं सारे, और इस साल जो आने के सबसे ज़्यादा चांसेज हैं वो क्वेश्चन मैंने इसमें डाल दिए हैं। तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, इसलिए मैं आपको कुछ ज़रूरी बातें बता देता हूँ। जैसे इस वीडियो को आप एक तो स्किप मत करना, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं वो वीडियो देखते नहीं हैं और वो क्या है सीधे नोट्स को लेके और पढ़ने लग जाते हैं। तो इससे क्या है आपको ही दिक्कत होने वाली है, क्योंकि ये सब्जेक्ट जो है वो लेंथी है। और अगर आपका कल एग्जाम है तो आप जो पूरा ये नहीं कवर कर सकते। जिन लोगों का बाद में एग्जाम है इसका कुछ टाइम बाद, तो वो इसे अच्छे से कवर कर सकते हैं जो भी मैंने नोट्स यहाँ पर दिए हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप ये वीडियो पूरी देखें, क्योंकि बीच 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 में मैं आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी बताने वाला हूं कि बाई चांस आप ये पूरे क्वेश्चन नहीं कर पाते हो, तो कुछ क्वेश्चन आप अगर जो मैं बता रहा हूं वो कर लेते हो तो आपका काम हो जाएगा, आप जो है पास हो जाओगे। हालांकि ऐसा नहीं बोल सकते कि सारे के सारे क्वेश्चन ही फंस जाएंगे, और ज़्यादातर चांस हैं कि इसी में से जो क्वेश्चन आ जाएंगे जो मैं आपको इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ। तो वीडियो को देखना, क्योंकि ये आपके लिए हेल्पफुल है, क्योंकि आपका कल का एग्जाम है। और आप अगर स्किप करोगे सीधे पूरा पढ़ने लग जाओगे तो थोड़ी सी आपको दिक्कत होने वाली है, क्योंकि ये लेंथी सब्जेक्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं, वीडियो को देखें और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो मैं आपको बीच में बता दूंगा, जिससे क्या है आप कल के लिए रेडी हो जाओगे। तो सारे लोग कॉपी पेन निकाल लेना, क्योंकि और भी ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको बताऊंगा। तो इसमें मैं टिक तो नहीं कर सकता, लेकिन आपके एक पेज पे लिखते जाना कि कौन कौन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप उसी उसी का जो है पढ़ लेना। तो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है हमारा टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट यानी TQM से, और आपको इसके एलिमेंट्स बताने और इसकी जो फिलोसॉफीज हैं वो भी बतानी है। तो ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आपको ज़रूर करना है। और ये लेंथी पूछा जा सकता है, यानी 7 नंबर में या 10 नंबर में इसे पूछा जा सकता है, क्योंकि इसके और भी पार्ट हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा यही है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे एक पेज पे नोट कर लेना कि ये क्वेश्चन आपको ज़रूर रेडी करके जाना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यही हो गया, आपको पढ़ना है कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट होता क्या है, इसकी डेफिनेशन, बेसिक इन्फॉर्मेशन, इसका मतलब पता होना चाहिए आपको, है ना। इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए अच्छे तरीके से, और फिर बात करते हैं कि इसके एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं वो आपको पता होने चाहिए, कि क्या क्या अप्रोचेस हैं और क्या क्या एलिमेंट्स हैं, तो वो आपको पढ़ने हैं। और एलिमेंट्स इसके अलग से दिए हैं, वो अप्रोचेस थी, ठीक है। तो एलिमेंट्स यहाँ पे मैंने अलग से मेंशन कर दिए हैं, ये सब आपको पढ़ने हैं। ये एक लेंथी क्वेश्चन है, आपसे 10 नंबर में पूछा जा सकता है, इसलिए आप इसे ज़रूर तैयार कर लेना, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट हम बात करें तो इसी की जो फिलोसफीज आपको पढ़नी है कि पुराने टाइम में क्या काफ़ी सारे जो पर्सनैलिटीज़ थी उन्होंने क्या टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को लेकर अलग अलग थ्योरीज दी थी कि कैसे जो है क्वालिटी को मैनेज किया जाए, कैसे इम्प्रूव किया जाए। तो अलग अलग लोगों ने जो अपनी अलग अलग उस पर फिलोसॉफीज दी थी, तो उन्हीं के बारे में हमें पढ़ना है। तो ज़्यादा कुछ लेंथी नहीं है, आप पढ़ोगे आसानी से आपको जो है याद हो जाएंगे। तो यहाँ पे सीधे सीधे कहने का मतलब है कि ये क्वेश्चन आपको पूरे तरीके से पढ़ना है, अच्छे से तैयार करना है, तो आपके नंबर जो है आ जाएंगे। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस साल सबसे ज़्यादा पूछे जाने के चांसेज हैं। और नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हमारा क्वालिटी बाय डिजाइन यानी QBD। तो आपको ये फुल फॉर्म जरूर पता होनी चाहिए, क्योंकि कई बार क्या आप कंफ्यूज हो जाते हो कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। कई कई बार क्या एग्जाम में शॉर्ट में पूछ लेते हैं कि एक्सप्लेन QBD, अब आपको पता ही नहीं है QBD होती क्या है। तो आपको फुल फॉर्म की जो है कि आपको जो है शॉर्ट फॉर्म की जो फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, तभी आप जो उसके बारे में लिख सकते हो। तो फुल फॉर्म पर आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पर आपको क्वालिटी बाय डिजाइन QBD पढ़ना है, उसके वेरियस जो एलिमेंट्स हैं वो आपको पढ़ने हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट तो है ही, क्योंकि अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे पढ़ लेना, क्योंकि सफिशियंट टाइम है, ये सबसे एंड में होने वाला है आपका, ठीक है। तो जिन लोगों का कल हो जाएगा उनके तो फिनिश ही हो जाएंगे एग्जाम, लेकिन जिनके बाद में होने वाले हैं वो काफ़ी लेट होने वाला है एग्जाम, तो इसका जो है पूरे को आप तैयार कर लेना। और ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप जो है आपके पास टाइम है तभी आप इसे पढ़ना, लेकिन कल जिनका एग्जाम है वो चाहे तो इस क्वेश्चन को स्किप कर सकते हैं। और जो मैंने इससे पहले जो क्वेश्चन बताया था उसे आप तैयार कर लेना। तो यहाँ पे आपको क्वालिटी वाइज डिज़ाइन जो पढ़ना है, इसके वेरियस एलिमेंट्स क्या क्या हैं और इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ये सब आपको पढ़ने हैं। और एडवांटेज क्या है ना, और की एलिमेंट्स आपको पढ़ने हैं, और इसके अलग अलग क्या की एलिमेंट्स हैं वो सब आपको पढ़ने हैं। तो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
और नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन आता है वो आता है ICH गाइडलाइंस। ठीक है, तो ICH क्या होता है? इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ हार्मोनाइजेशन। ठीक है, तो ये आपको पढ़ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपने जो कॉपी पेन लिए है इसे भी नोट कर लेना, ये भी आपको जरूर पढ़ के जाना है। तो एक हमारा क्वेश्चन हो गया हमारा टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, और दूसरा हमारा ICH गाइडलाइंस। ठीक है, तो ये भी आपको पढ़ना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट नोट आपसे पूछा जा सकता है, तो आप जो ऐसे ही भी कर लेना। तो यहाँ पे आपके दो क्वेश्चन हो गए, यहाँ पे अलग अलग गाइडलाइंस दिए हैं, ऑब्जेक्टिव्स दिए हैं, ICH के पार्टिसिपेंट्स कौन होते हैं, है ना, तो उसमें क्या अलग अलग जो है यूनियन मिनिस्ट्रीज वगैरह के जो मेंबर्स होते हैं, तो उन सभी के बारे में आपको पढ़ना है। फिर आपको इनकी गाइडलाइंस पढ़नी है, और QSEM गाइडलाइंस अगर आपसे पूछ लिया जाता है तो QSEM में भी आपको ICH गाइडलाइंस ही लिखनी है, यानी दोनों सेम ही होती हैं। तो इस तरह से इसकी अलग अलग गाइडलाइंस दी हैं, बहुत आसान है आपके, बस नाम से और नंबर से याद रख लेना सारी की सारी, बहुत आसान तरीके से आप पढ़ लोगे। तो ये भी हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आपको कंप्लीट रेडी करना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द टर्म ISO 9000 एंड ISO 14000। तो ये भी हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप नोट कर लेना, तो आपके तीन क्वेश्चन हो जाएंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिनका कल एग्जाम है उनके लिए। तो इसे भी आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है, इसमें भी आपको एक्सप्लेन करना है कि क्या होता है ISO 9000, है ना। तो ISO का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये क्या है, रूल्स वगैरह सेट करती हैं, इनके अलग अलग रूल्स, यानी अलग अलग इनके सेट ऑफ रूल्स रहते हैं, तो इसे आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है। तो इसमें दोनों के बारे में मैंने यहाँ पे दिया है, ज़्यादा लेंथी मैंने किया नहीं है, जितना एग्जाम में पूछा जाता है बस आपको उतना ही लिखना है, तो यहाँ पे मैंने उतना ही जो है मेंशन किया है। तो अच्छे तरीके से पढ़ लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपके तीन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हो चुके हैं। नेक्स्ट हमारा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हमारा, डिस्क्राइब प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर्स ऑफ NABL एक्रीडिटेशन। ठीक है, तो ये भी हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपके चार जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए हैं जो जिनका कल एग्जाम है, तो आपको इसे भी अच्छे तरीके से तैयार करना है। तो जो मैं बताता बताया जा रहा हूँ वो आप पढ़ लेना, अगर हो सकता है आपने पहले से पढ़ाई की है तो आप ये पूरे कवर कर लेना, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो लोग पूरा नहीं कर सकते, जिनके पास इतना टाइम नहीं है, जिन्होंने अभी किताब उठा के पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि आप ये जो क्वेश्चन है इन्हें आप ज़रूर कर लेना। तो ये हमारे, तो यहाँ पे हमारा ये चौथा क्वेश्चन है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो हमारा NABL एक्रीडिटेशन। ठीक है, जिसे आपको करना है अच्छे तरीके से करना है, इसके स्कोप वगैरह आपको पढ़ने हैं, बेनिफिट्स पढ़ने हैं, प्रोसीजर वगैरह पढ़ने हैं इसके, और एक्नॉलेजमेंट, तो सारी चीज़ें इसकी जो दी हैं यहाँ पे वो सारी की सारी आपको कंप्लीट करनी है। और नेक्स्ट हमारा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हमारा, ये भी हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे भी आपको कॉपी पेन से नोट कर लेना है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल। तो बेसिकली आपको ये दोनों पता होने चाहिए कि क्वालिटी एश्योरेंस क्या होता है और क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि QA क्या है, QA की दो फुल फॉर्म होती है, एक तो होती है क्वालिटी एश्योरेंस और एक और होती है क्वालिटी ऑडिट। तो आपको ध्यान रखना है कि क्या पूछ रहा है, अगर QC के साथ अगर QA पूछा गया है तो वो क्वालिटी एश्योरेंस है, और क्वालिटी QA अलग अलग से पूछा है किसी क्वेश्चन में तो वो क्या है, क्वालिटी ऑडिट है। तो आपको इस चीज़ पे ध्यान देना है, ऐसा नहीं है कि अगर क्वालिटी क्वालिटी ऑडिट किसी अलग क्वेश्चन में पूछ लिया तो आप उसकी जगह क्वालिटी एश्योरेंस का लिख दें, ऐसा नहीं करना है आपको। बेसिकली ये क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस को साथ में ही पूछा जाएगा, और पूछा जाएगा तो यहाँ पे क्या, आपको बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो आपको डिफाइन करना है, क्वालिटी एश्योरेंस क्या होता है, क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है, और इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज जो है पता होनी चाहिए आपको, दोनों की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। तो दोनों के बारे में पता लगाने के बाद आपको जो इनके डिफरेंस जरूर पढ़ लेने हैं, या तो आप दोनों को अलग अलग नोट के फॉर्म में पढ़ लो, या फिर क्या है आप दोनों के डिफरेंस याद कर लो, तो इससे क्या है आपके दोनों की कंप्लीट हो जाएंगे। तो दोनों चीज़ें मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी, अगर डिफरेंस पूछता है तभी आपको डिफरेंस लिखनी है, अगर ऐसा नहीं है कि अगर आपसे डिफरेंस पूछे नहीं है नोट लिखने को बोला है तो आप दोनों का डिफरेंस लिख दो, ऐसा नहीं है। अगर आपसे पूछा जाता है क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल के ऊपर नोट लिखना है तो आपको जो अलग अलग नोट लिखना है उन पर, अगर डिफरेंस पूछे जाते हैं तभी आपको डिफरेंस लिखना है। डिफरेंस मैंने बेसिकली यहाँ इसलिए मेंशन कर दिया क्योंकि आप दोनों के डिफरेंस पढ़ लोगे तो दोनों के बारे में आपको बेसिक पता चल जाएगा कि क्या अंतर होता है दोनों में। तो ये भी हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसे भी आपको रेडी करना है। और नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है हमारा, राइट अ नोट ऑन पर्सनल एंड देयर रेस्पॉन्सिबिलिटीज ट्रेनिंग प्रोग्राम एंड हाइजीन। तो ये हमारा क्वेश्चन अच्छा है, ये पूछा जा सकता है क्योंकि कई साल जो रिपीटेशन में पूछा गया है इसे, तो कल जिनका एग्जाम है वो लोग इसे स्किप कर सकते हैं अगर उनके पास टाइम नहीं है पढ़ने के लिए, लेकिन जिनके पास टाइम है वो इसे ज़रूर पढ़ लेना क्योंकि ये आपको जो है अच्छे खासे और ज़्यादा नंबर आपके इंक्रीज कर सकते हैं आपके रिजल्ट में, तो आपको इसे पढ़ना है। और जो लोग इसे पढ़ सकते हैं जिनका कल एग्जाम है तो वो लोग भी पढ़ लें, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, पर्सनल्स जो काम करते हैं अपनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज वगैरह में, तो उनके बारे में यहाँ पे आपको सारी चीज़ें बतानी है कि उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, है ना, और इनके ट्रेनिंग प्रोग्राम क्या होते हैं, कैसे इन्हें ट्रेन किया जाता है, और बाकी इनकी पर्सनल हाइजीन, ठीक है, कि कैसे हाइजीन का ख्याल रखा जाता है। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है, इसका आंसर जो कम्प्लीट हो चुका है।
और नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो हमारा है डिस्क्राइब द डिजाइन कंस्ट्रक्शन एंड प्लेन लेआउट ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। तो ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कल जिनका एग्जाम है वो इसे पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे आपको करना है। तो यहाँ पे आपको जो है फार्मास्यूटिकल जो इंडस्ट्री रहती है उसकी डिजाइन कंस्ट्रक्शन और इसके प्लेन लेआउट के बारे में बताना है। तो आप जितना इसे पढ़ सकते हो, जितना अच्छे तरीके से कर सकते हो, इसे कर लेना। कोई ना क्वेश्चन इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन इसमें से ज़रूर बनता है, तो आप इसे पढ़ लेना। अलग अलग भी पूछे जाते हैं, कई बार प्लेन लेआउट पूछ लिए जाते हैं, लेकिन इससे रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो आपको इसे पढ़ना है, इसके फीचर्स पढ़ने हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ प्लेन ले प्लांट लेआउट पढ़नी है, टाइप्स ऑफ प्लांट लेआउट पढ़नी है ना, कि कौन कौन सी जो लेआउट होती हैं प्लांट्स में, वो सब आपको बतानी है। इसके बाद इसके फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग पढ़ने हैं आपको। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन आता है वो आता है हमारा एक्सप्लेन क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट फॉर कंटेनर्स, रबर क्लोजर्स एंड सेकेंडरी मटेरियल्स। तो ये जो क्वेश्चन हमारा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कल जिनका एग्जाम है वो इसे ज़रूर पढ़ लेना, इसे भी नोट कर लेना, क्योंकि इसे दो तरीके से पूछा जाता है। कई एग्जाम्स में जो इसे इस तरीके से पूछा गया कि एक्सप्लेन क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट फॉर कंटेनर्स, अगर केवल कंटेनर्स का आपसे क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट पूछा जाता है तो ये जो है 5 और 7 नंबर में पूछा जा सकता है, क्योंकि कंटेनर्स में क्या है, अलग अलग तरह के कंटेनर्स आ जाते हैं, प्लास्टिक कंटेनर, मेटल कंटेनर्स, है ना, तो वो भी काफ़ी लेंथी हो जाता है ये जो आंसर है, ठीक है। तो ये क्या है, 5 और 7 नंबर में पूछा जा सकता है, लेकिन अगर इसके साथ जोड़ दिया जाता है कि एक्सप्लेन क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट फॉर कंटेनर्स, रबर क्लोजर्स एंड सेकेंडरी मटेरियल्स, तो ये हमारा लॉन्ग आंसर टाइप बन जाता है, जो क्या है सीधा आपसे 10 नंबर में पूछा जाएगा। तो हमारा लेंथी क्वेश्चन है, 10 नंबर में भी पूछा जा सकता है और 5 और 7 नंबर में भी पूछा जा सकता है। तो अगर 5 और 7 में पूछते हैं तो ये कंटेनर्स का पूछेंगे केवल, और अगर 10 में पूछते हैं तो इसके साथ ही ये जो सेकंड पार्ट है इसका, रबर क्लोजर्स और सेकेंडरी मटेरियल्स, तो इसे भी ऐड कर देंगे, तो ये 10 नंबर का बन जाएगा। तो आपको इसे कंप्लीट करना है। अब आप कितना पढ़ सकते हो, कितना याद कर सकते हो कल का, आज के दिन में, तो ये सब आपके ऊपर डिपेंड है। तो आपको इसे पूरा अच्छे तरीके से करना है, इसके प्रॉपर नोट्स मैंने यहाँ पे प्रोवाइड करा दिए हैं, सारी चीज़ें पढ़ लेना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और क्वालिटी कंट्रोल का मतलब है कि कोई भी जब जैसे सीरप के लिए जब उसकी बोतल बनाई जाती है, ठीक है, तो उसके उसे क्या कौन कौन से जो क्वालिटी कंट्रोल्स के रूल्स को ध्यान में रख के बनाया जाता है, और जो पैकेजिंग जो मटेरियल होते हैं उन्हें कैसे कैसे जो बनाया जाता है, और क्या क्या क्वालिटी कंट्रोल्स के रूल्स को ध्यान में रखा जाता है, तो इन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पर पढ़ना रहता है, ठीक है। तो काफ़ी सारे तरह के कंटेनर्स रहते हैं, ग्लास कंटेनर, मेटल, है ना, प्लास्टिक के जो कंटेनर्स होते हैं, तो सभी के क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट के बारे में आपको पढ़ना है। तो लेंथी क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि किसी न किसी तरीके से जो है इसे पूछा जाएगा, तो आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है इसे। तो ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे पढ़ लेना अच्छे तरीके से, और इसमें अलग अलग तरह के कंटेनर्स दिए, उनके टेस्ट दिए हैं, किस तरह से जो है टेस्टिंग की जाती है उनकी, और बाकी रबर क्लोजर्स के अगर अलग से पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेन द क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट फॉर रबर क्लोजर्स, है ना, और सेकेंडरी मटेरियल्स, तो उसे भी आपको पढ़ना है। हालांकि पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं से पूछा जाएगा, हो सकता है पूरा ही पूछ लिया जाए आपसे 10 नंबर में, तो आपको इसे रेडी करना पड़ेगा अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे रबर क्लोजर्स के बारे में दिया है, कैसे किस तरीके से इनके जो है टेस्टिंग की जाती है, तो सारी चीज़ें प्रॉपर यहाँ दी हुई हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको पढ़ने में, अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेना। और यहाँ हमारा जो इसी का एक और पार्ट है, क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट फॉर सेकेंडरी पैकेजिंग मटेरियल्स, ठीक है। तो सेकेंडरी मतलब होता है जैसे एक बार जब दवाई वगैरह पैक हो जाती हैं अलग अलग स्ट्रिप्स में, बोटल्स में, उसके बाद इन्हें क्या है कार्टून्स वगैरह में पैक किया जाता है, तो हमारी सेकेंडरी पैकेजिंग होती है, तो उसका भी आपको ध्यान रखना है किस तरीके से की जाती है, कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं, तब जाके जो है पैकिंग होती है हमारी। तो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आपको ज़रूर करना है। नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हमारा एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ GLP, है ना, कि गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस क्या होती हैं। तो इसे जो है आपसे पूछा जा सकता है, 5 और 7 नंबर है, हालांकि इसे इस बार कम चांस हैं कि इसे जो है कम्प्लीट पूछा जाए, लेकिन इसे पूछा जरूर जाएगा, इससे कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा जरूर। तो हो सकता है आपसे शॉर्ट नोट पूछ लिया जाए, हो सकता है 5 नंबर या 7 नंबर में पूछ लिया जाए आपसे, तो आपको इसे पढ़ना है, आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि GLP होता क्या है ना, और इसमें एक और पार्ट है इसका, डिस्क्राइब हाउ विल यू कंडक्ट अ नॉन क्लिनिकल लेबोरेटरी स्टडी, है ना। तो GLP आपको पता होना चाहिए, इसके साथ साथ नॉन क्लिनिकल लेबोरेटरी स्टडीज के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिनका कल एग्जाम होना है इसे पढ़ना है, ज़रूर पढ़ना है। तो इसका जो आंसर है वो मैंने प्रॉपर यहाँ पर प्रोवाइड करा दिए हैं। पहले तो आपको GLP के बारे में पता होना चाहिए, उसकी डेफिनेशन, उसके प्रिंसिपल्स आपको पता होना चाहिए, हालांकि इसे आपको पूरा नहीं पढ़ना है, और आप जो ऐसे इतना ही कर लेना जितना मैंने यहाँ पे दिया है, तो आपका जो काम हो जाएगा। और इसके अलावा इसके जनरल प्रोविजंस दिए हैं, स्कोप दिए हैं, ऑब्जेक्टिव्स दिए हैं GLP के, है ना, और इसके अलावा नॉन क्लिनिकल लेबोरेटरी स्टडी भी यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसे भी आपको करना है, ठीक है। तो आपको प्रोटोकॉल्स वगैरह ध्यान रखने नॉन क्लिनिकल लेबोरेटरी स्टडी का, तो ये दूसरा पार्ट है उसी का, तो आपको इसे पढ़ना है, इसे भी पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिस नहीं करना आपको।
तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन आता है वो आता है हमारा डिस्क्राइब द टर्म SOP स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। तो इस पे क्या शॉर्ट नोट वगैरह लिखने को पूछ सकते हैं। तो यूनिट 4 से हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जिनका कल एग्जाम है वो चाहे तो इसे स्किप कर सकते हैं अगर टाइम है उनके पास, उन्होंने पहले से पढ़ रखा है सब कुछ, तो वो इसे ज़रूर कर लेना। तो कोई दिक्कत नहीं है अगर आप इसे स्किप भी कर दोगे तो, क्या इसकी इंपॉर्टेंस थोड़ी सी कम है, लेकिन आप चाहते हो कि आप रिस्क नहीं लेना चाहते और आपके पास टाइम है पढ़ने के लिए तो आप इसे ज़रूर पढ़ लेना। तो एग्जाम में जो है नंबर बढ़ाने में आपके काम करेगा, यानी एक तरह से आपके लिए और भी ऑप्शन हो जाते हैं पढ़ने के लिए। तो सारी चीज़ें पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि जितने ऑप्शंस होंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा हमारे लिए। तो SOP इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट नोट अक्सर पूछ लिया जाता है इससे। तो कई साल जो एग्जाम में से पूछा गया है और पिछले 1-2 साल से नहीं पूछा, लेकिन हो सकता है इस बार पूछ ले। तो इम्पोर्टेंट है ये, लेकिन मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आपको अगर आप कल 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 में से कर सकते हो तो कल इस आज आज में से कर लेना, तो कल आपके एग्जाम में जो हेल्प हो जाएगी। लेकिन अगर आप नहीं करना चाहते हो आप इसके भी कर सकते हो, और जिनके पास टाइम है जिनके बाद में होने वाले एग्जाम तो वो लोग इसे ज़रूर कर लेना। तो SOP से रिलेटेड हमें सारी चीज़ें पढ़नी है, इम्पोर्टेंट चीज़ है और अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी इम्पोर्टेंस है इसकी, तो आपको इसे पढ़ना है अच्छे तरीके से, स्कोप वगैरह पढ़ने हैं इसके। और नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो क्वालिटी ऑडिट से आता है, आपको पढ़ना है क्वालिटी ऑडिट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और कल के एग्जाम में जो है ज़रूर आ सकता है। तो आपको इसे पढ़ना है, कॉपी पेन से इसे भी नोट कर लेना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में। तो क्या होता है क्वालिटी ऑडिट, तो इसकी भी जो शॉर्ट फॉर्म होती है वो QA होती है, तो इसे आप क्वालिटी एश्योरेंस में समझ लेना। अगर क्वालिटी ऑडिट पूछा जाएगा तो इस तरह से पूछा जाएगा अलग से क्वेश्चन में या शॉर्ट नोट लिखने के लिए, और क्वालिटी एश्योरेंस अगर पूछा जाएगा तो क्वालिटी कंट्रोल जरूर लिखा होगा या उसकी फुल फॉर्म लिखी होगी, ठीक है। तो इस तरह से जो आपको कंफ्यूज नहीं किया जाएगा, दोनों तरीके से आपके समझ में आ जाएगी। तो क्या होता है क्वालिटी ऑडिट, इसके ऑब्जेक्टिव, इसके रीजंस आपको पता होने चाहिए, है ना, और यहाँ पे इसके स्टेप्स पता होने चाहिए, और इसके जो मेथड और टेक्निक्स हैं वो आपको पता होने चाहिए क्वालिटी ऑडिट के, और ऑडिट चेक लिस्ट आपको पता हो, रिपोर्टिंग ऑडिट, फाइंडिंग, ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको पढ़नी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है मास्टर फॉर्मूला रिकॉर्ड, तो ये भी हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कल के एग्जाम में जो पूछा जा सकता है। तो इस पर भी जो शॉर्ट नोट वगैरह लिखने को पूछ लेते हैं, कई बार जो लॉन्ग नोट भी पूछ लेते हैं, तो यहाँ पे जितना आपको पूछा जा सकता है उतना मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। तो इसे भी पढ़ लेना क्या होता है मास्टर फॉर्मूला रिकॉर्ड, तो 2-3 पेज का है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, इसे भी जो है पूछा जाता है। तो नोट वगैरह इन पे बेसिकली पूछे जाते हैं, तो आप इसे पढ़ लेना तो आपके दिमाग में थोड़ा सा रहेगा क्या होता है। हालांकि ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये सारे कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा अलग है, क्या है थोड़े थोड़े से इनमें बस डिफरेंस रहते हैं, तो आपको बस वही चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन आता है वो आता है हमारा क्वालिटी रिव्यू, है ना, और क्वालिटी डॉक्यूमेंटेशन। तो दोनों में से कोई ना कोई ज़रूर पूछा जाएगा, या तो क्वालिटी रिव्यू पूछ सकते हैं या क्वालिटी डॉक्यूमेंटेशन। तो कल वालों के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको इसे भी जो है याद रखना है। अब या तो आप क्वालिटी रिव्यू या क्वालिटी डॉक्यूमेंटेशन, आपको दोनों ही पढ़ने हैं, और दोनों को आप थोड़ा सा दिमाग में डाल लेना ताकि आपको याद रहे, आप क्या बना के भी लिख सकते हो। थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, आप जितना बना के लिख दोगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको जो है छोड़ना नहीं है कोई भी क्वेश्चन। तो क्वालिटी रिव्यू के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है क्या होती है क्वालिटी रिव्यू, इसके सिग्निफिकेंस दिए हैं, है ना, और इसके अलावा जो है क्वालिटी डॉक्यूमेंटेशन दिया है, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन होते हैं। तो इसे भी आपको जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वालिटी रिव्यू या डॉक्यूमेंटेशन से एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कल वालों के लिए पढ़ना है उन्हें इसे भी। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन आता है वो यूनिट 5 से आता है। अब यूनिट 5 से क्या है, काफ़ी सारे क्वेश्चन होते हैं जो पूछे जाते हैं, लॉन्ग में भी आते हैं शॉर्ट में भी आते हैं। तो यहाँ पे हमारा एक इम्पोर्टेंट पूरा बन जाता है, जैसे कि हमारे इसमें 3 टॉपिक हैं, कैलिब्रेशन, वैलिडेशन और वैलिडेशन मास्टर प्लान। तो वैलिडेशन मास्टर प्लान क्या है, वैलिडेशन का ही पार्ट है, और कैलिब्रेशन, वैलिडेशन और क्वालिफिकेशन, इसमें 3 चीज़ें जो है पूछी जाती हैं इस यूनिट में। तो आपको तीनों के बारे में पढ़ना है, मैं कुछ भी चीज़ यहाँ पे वो नहीं कर रहा कि आप इसे मत पढ़ना उसे मत पढ़ना, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप जितना ज़्यादा कर पाए उतना अच्छा है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें छाँटने के बाद मैंने यहाँ पे क्वेश्चन बनाए हैं। तो इन जो क्वेश्चन मैंने आपको बनाए ये तो आपको करने करने पड़ेंगे, ठीक है, उनके अलावा कुछ आ जाए वो अलग बात है, वो अलग चीज़ है, लेकिन जो मैंने आपको दिया है इसे आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो बहुत ही सिलेक्टिव चीज़ें मैंने दी है, ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा लेंथी दे दिया है या आपको दिक्कत आए पढ़ने में, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे आपको बेसिक कॉन्सेप्ट, तो आपको मैंने ये नहीं बोल रहा कि आप पूरा पूरा इन्हें पढ़ो, बहुत लंबे चौड़े इनके आंसर को आप याद करने की कोशिश करो, मैं क्या आपको कुछ ज़रूरी चीज़ें बता रहा हूँ, जैसे आपको कैलिब्रेशन और वैलिडेशन की आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए, है ना, इनके स्कोप और ऑब्जेक्टिव आपको पता होनी चाहिए। तो ये दोनों क्वेश्चन जो हैं कैलिब्रेशन और वैलिडेशन, इनके आपको बेसिक बेसिक इन्फॉर्मेशन याद करनी है। तो दोनों की मैंने दे दी, अब लिखने में मुझे दिक्कत हो रही थी, बहुत मैंने लिखा है आज कल कल में आपके लिए, तो मैंने कहा कुछ कुछ जो क्वेश्चन हैं उनके आंसर की मैं आपको
पीपीटी आपको दे देता हूँ, तो आपको पढ़ना ही है बस, तो यहाँ से पढ़ लेना। तो मैंने देख के कोई अच्छी पीपीटी हो तो मैंने उसी के हिसाब से यहाँ पे आपको प्रोवाइड करा दिए, तो शॉर्ट है, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं आएगी पढ़ने में। तो कैलिब्रेशन के बारे में आपको पढ़ना है, क्या होता है कैलिब्रेशन, ठीक है, इसके ऑब्जेक्टिव पढ़ने हैं, इसके स्कोप पर्पज़, ठीक है, क्या होते हैं कैलिब्रेशन के, ये आपको पढ़ने हैं, बस आपको इतना ही पढ़ना है कैलिब्रेशन में, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि आपको बस ये चीज़ें, आपको बेसिक जो इन्फॉर्मेशन वो आपको पता होनी चाहिए, तो आप जो कुछ छोड़ोगे, ठीक है। और नेक्स्ट जो हमारा आता है वो वैलिडेशन आता है, वैलिडेशन की भी आपको बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है वो पता होनी चाहिए, क्या होता है वैलिडेशन, इसकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, है ना, स्कोप आपको पता होनी चाहिए वैलिडेशन के, क्या इसके स्कोप या ऑब्जेक्टिव्स हैं, है ना, और इम्पोर्टेंस आपको पता होनी चाहिए। तो आप वैलिडेशन में आप इतना ही करने ला, लेकिन जो वैलिडेशन मास्टर प्लान है इसका क्या है, कभी कभार अलग से शॉर्ट नोट पूछ लेते हैं, तो आपको इसे भी पढ़ना है। तो वैलिडेशन मास्टर प्लान क्या होता है, ऐसे क्या है, VMP करके भी पूछ लेते हैं शॉर्ट फॉर्म में, तो कन्फ्यूज नहीं होना है आपको, तो इसे भी आपको पढ़ना है। तो मैंने ज़्यादा इसे भी लेंथी नहीं किया है, बस 2 पेज का ही है, तो आप इसे अच्छे तरीके से पढ़ लेना। तो हालांकि इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, बस कुछ ही चीज़ें हैं जो आपको पढ़नी रहती हैं, नॉर्मल सी वही सेम चीज़ें रहती हैं हर आंसर में, तो आपको उसे ध्यान रखना है, क्या क्या अलग रहता है हर क्वेश्चन में, बस वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है, बाकी तो सारी चीज़ें बस सेम ही रहती हैं, कुछ अलग नहीं रहता है। तो ये सब चीज़ें आपको पढ़नी है। तो हमारा ये जो वैलिडेशन और जो कैलिब्रेशन है उससे आपकी उसकी आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन पढ़नी है, ठीक है। और ये जो क्वालिफिकेशन है इसके बारे में मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि क्वालिफिकेशन में क्या है, क्वालिफिकेशन आपको पूछा जाता है, लेकिन साथ में इसके यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, ठीक है, इसे भी जो एक्सप्लेन करने के लिए बोला जाता है, तो उसे आपको पढ़ना है। तो क्वालिफिकेशन आप क्या होता है, कितने टाइप का होता है, ठीक है, तो कई अलग अलग टाइप रहते हैं डिजाइन क्वालिफिकेशन, तो इनके क्या है शॉर्ट फॉर्म में कई बार पूछ लिए जाते हैं कि DQ क्या होता है, IQ क्या होता है, और OQ क्या होता है, PQ क्या होता है, तो इनके आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, इसी के पार्ट्स हैं, तो आपको ध्यान रखना है इनके बारे में, आपको पता होना चाहिए क्या होती है डिजाइन क्वालिफिकेशन, इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन, है ना, तो इनकी छोटी छोटी डेफिनेशन है ये आपको पढ़नी है। नेक्स्ट जो इसी का पार्ट है वो इस यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, ठीक है, तो उसके बारे में भी आपको पढ़ना है क्वालिफिकेशन के बारे में। तो इसका यहाँ पे डायग्राम वगैरह दिया है, तो ये आपको पढ़ना है, पहले आपको इसका इंस्टॉलेशन प्रोसीजर पढ़ना है ना, फिर आपको जो है इसकी कुछ टेबल्स वगैरह देखनी है क्या कुछ रहता है, और फिर यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन पैरामीटर्स के बारे में आपको पढ़ना है ना, रेसोल्यूशन पावर के बारे में पढ़ना है, नॉइस, है ना, और वैसे लाइन फ्लैटनेस, ठीक है, ये सब आपको पढ़नी है, स्टेबिलिटी इसकी, फोटोमेट्रिक एक्यूरेसी, तो ये सब आपको पढ़नी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर क्वालिफिकेशन से कुछ पूछा जाता है तो वो यही पूछा जाता है, यूवी विजुअल फोटो स्पेक्ट्रोमीटर, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, क्वालिफिकेशन से आएगा तो यही आएगा, आपको पढ़ना है, इसे ज़रूर पढ़ना है। सबसे लास्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचता है वो यही है हमारा कि गुड बियर हाउसिंग प्रैक्टिसेस के बारे में आपको पता होना चाहिए। हालांकि जो GMP है, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, वो भी हमारी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, जब हमारे इतने क्वेश्चन बन जाते हैं तो हमें उसे जो है स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आपको पढ़ना है गुड बियर हाउसिंग प्रैक्टिसेस, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो आप पूछा जा सकता है, तो कल वालों के लिए ये भी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये जो GWP है ना, इसमें दिक्कत कुछ नहीं है बिल्कुल भी, आपको लगेगा कि ये लेंथी है बहुत ज़्यादा, कितना पढ़ें इसमें, लेकिन इसमें ऐसी परेशान होने वाली कोई भी बात नहीं है, क्योंकि कुछ भी इसमें टफ नहीं है, ठीक है। अब आपको बस कुछ ही चीज़ें याद रखनी है इसमें, जैसे प्रीमिसेज क्या होता है, अब प्रीमिसेज का मतलब होता है कि जहाँ पे हम ड्रग वगैरह को जो रॉ मटेरियल उसे स्टोरेज करते हैं, अब स्टोरेज की जगह पे क्या क्या होना चाहिए, है ना, जैसे अच्छी लाइट होनी चाहिए, वेंटिलेशन यानी हवा के लिए वहाँ पे क्या है वेंटिलेटर्स होने चाहिए, टेम्परेचर वगैरह वहाँ पे मेंटेन होना चाहिए, एयर कंडीशनर लगी होनी चाहिए, सैनिटाइजर साफ सफाई का क्या ध्यान रखना चाहिए, उसके अलावा क्या है ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करने के लिए स्पेस होना चाहिए, इक्विपमेंट्स होने चाहिए, सिक्योरिटी कंडीशंस वहाँ होनी चाहिए, ये हो गया हमारे प्रेमिसेस, ठीक है। नेक्स्ट जो आती है, अब इसी को क्या अलग अलग एक्सप्लेन किया गया, अब नेक्स्ट क्या है इसमें सिक्योरिटी, अब सिक्योरिटी में क्या होना चाहिए, सिक्योरिटी कैमराज वगैरह जो होने चाहिए, है ना, और फैसिलिटीज होने चाहिए, कुछ पर्सनल्स होने चाहिए, ठीक है, तो और जैसे एंट्री वगैरह जहाँ पे होती है तो वहाँ पे क्या है ऑथोराइज होनी चाहिए, क्या है जान बिना जान पहचान के किसी को एंट्री नहीं देनी है, ऐसे फिर क्या है टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी कंट्रोल के लिए वहाँ पे अलग अलग इक्विपमेंट्स होने चाहिए, है ना, और वहाँ पे क्या है प्रॉपर वहाँ पे मशीनरी होनी चाहिए जो क्या है बता दिया करे कि टेम्परेचर कम है या ज़्यादा है, तो इन सभी चीज़ों के बारे में बस आपको थोड़ा थोड़ा बना बना के लिखना है, इक्विपमेंट होने चाहिए, पर्सनल्स होने चाहिए, है ना, सैनिटाइजेशन के लिए साफ सफाई होनी चाहिए, रिसिप्ट वगैरह ये सारी चीज़ें प्रॉपर होनी चाहिए अगर कुछ सामान आता है ना, और वेयर हाउसिंग डिस्पैच डिस्पैच हो चाहे वहाँ से कोई सामान होता है वहाँ से डिस्पैच, तो उसके भी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होने चाहिए, पैकिंग और ट्रांसपोर्टेशन की क्या क्या फॉर्मेलिटीज होती हैं, ये सब आपको थोड़ी थोड़ी जब आप रीडिंग मारोगे ना तो सब कुछ आपके समझ में आ जाएगा, और इसमें टफ बिल्कुल कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आपको एक कहानी की तरह याद रखना है कि क्या कुछ होना चाहिए, ठीक है, तो ये सब बिल्कुल आप आसान तरीके से कर लोगे।
तो कल वालों के लिए मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता दिए हैं, और जो क्वेश्चन मैंने स्किप करवाए हैं तो हो सके आप उन्हें कर लेना, अगर नहीं टाइम है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिनका एग्जाम अभी बाद में, अभी जिनके हुए नहीं है, शुरू भी नहीं हुए, तो उन सभी के लिए मैंडेटरी है ये सारे क्वेश्चन उन्हें ज़रूर कर लें, तब जाके जो है अच्छे खासे क्वेश्चन उनके फंस पाएंगे। लेकिन कल जिनका है वो अगर इतने क्वेश्चन भी कर लेते हैं जो मैंने आपको इम्पोर्टेंट बताए हैं, उन उन क्वेश्चन को कर लेते हैं तो आप पास हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, और 50 से 60% इसी में से आ जाएंगे आपके। तो आपको पढ़ना है, कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास टाइम है, और कल का आज का पूरा दिन और पूरी रात पढ़ी है आपके पास, तो अच्छे तरीके से आप पढ़ लेना। अगर नहीं सोओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो पढ़ लेना अच्छे तरीके से, कल जाके अच्छे तरीके से एग्जाम देना और बताना मुझे कैसा रहा आपका एग्जाम। तो यहाँ पे हमारे जो क्वालिटी एश्योरेंस है उसके जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है हमारी बायोटेक्नोलॉजी बची है, उसके मैं आपको जल्दी दे के जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सबको फ्री कर दूंगा, और आपकी फिर जो प्रिपरेशन है वो आप लग जाना उसमें, और आपके पास टाइम भी है, समय भी है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे तरीके से तैयारी कर लेना। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में बायोटेक्नोलॉजी के सॉल्यूशंस के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर, और जिनका कल का एग्जाम है उनके लिए ऑल द बेस्ट।